गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज यूनि वसीम। वेलकम टू माई चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस के शॉर्ट नोट्स। ईवीएस के शॉर्ट नोट्स में आज का जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन द अर्थ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। यानी ये जो अर्थ पे जो एक एवरेज टेम्परेचर है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इसको क्या कहता है, इफेक्ट करता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट ऑकर वेन द गैसेज इन द अर्थ्स एटमोसफेयर कैप्चर द सन्स हीट। यानी ये तभी होता है जब हम लोग सन से जितने सारे गैसेज और लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं उसको कैप्चर कर लिया जाता है। ओके, दिस प्रोसेस वार्म्स द अर्थ सिग्निफिकेंटली मोर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमोसफेयर। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है, अर्थ का जो सिग्निफिकेंट जो गर्म होने का जो प्रोसेस है बगैर एटमोसफेयर के, उसको हम लोग संभाल करके रख सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं डब्ल्यू बी प्राइमरी टेट्स में या अदर स्टेट के टेट्स में, इसके अलावा सी टेट के एग्जामिनेशंस में। तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और इसको फॉर्मूला के साथ आप लोग लर्न करके रखिएगा। सबसे पहला है CO, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, डोंट फॉरगेट CO, ये फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसके बाद O3 यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यानी ओजोन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मीथेन CH4, ओके, ये भी एक मार्श गैस है और ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है। उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैस, ओके, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। उसके बाद वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि बताया गया ग्रीन हाउस गैस है, और N2O, ओके, नॉट NO2, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो प्लीज़ आप लोग इस सीक्वेंस को भूलिएगा नहीं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। CO और CO2 शॉर्ट में है, O3, CH4, N2O, वाटर वेपर और फ्लोरिनेटेड गैस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द प्रेजेंस एंड एक्सेसिव एक्युमुलेशंस ऑफ दीज गैसेस इन एटमोसफेयर एज ए ब्लैंकेट। ओके, ये सब गैसेस क्या होते हैं, निकलते हैं और पूरे हमारे अर्थ को एज ए ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है, ट्रैपिंग के तौर पे, ट्रैपिंग एब्जॉर्बिंग सम द इंफ्रा रेड रेडिएशन इमिटेड बाई द अर्थ एंड रिलीजिंग सम इट ऑफ इट टू इट। और इसको जो सन्स की तरफ से जो हार्मफुल रेडिएशन आते हैं उसके इफेक्ट को ब्लैंकेट के तौर पे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एनी राइज इन सच गैसेस वुड रिजल्ट मोर हीटिंग ट्रैपिंग। इसमें से कोई एक गैस अगर ज़्यादा मात्रा में अगर इंक्रीजिंग हो तो बहुत ज़्यादा इसका ज़मीन पे असर पड़ता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग या वर्ल्ड वार्म डे के तौर पर भी माना जाता है। अर्थ टेम्परेचर एंड रिजल्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, जैसे बताया गया कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में गर्म जैसा माहौल पैदा होने लगता है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में EVS के नोट्स, शॉर्ट नोट्स को लेकर के, और ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे WB प्राइमरी टेट और स्टेट टेट जहाँ पे EVS का पोर्शन पूछा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।